It's of course election season at the moment. Just a few days are left till the first phase of the polls are going to commence. Meanwhile, as the battle heats up between the NDA and the INDIA bloc ahead of the world's largest democratic exercise, Prime Minister Narendra Modi had sat down for an interview, an 80-minute interview in particular, where he answered questions on diverse topics from a democracy in India to the much politicized electoral bond. And as expected, the Prime Minister's interview has led to a political slugfest, with opposition leaders responding to several statements made by PM Modi. In his interview, the Prime Minister had responded to allegations of opposition leaders that the ED, CBI, Income Tax Department and other central institutions, including the Election Commission, are hand in glove with the BJP government. PM Modi has stated that the Enforcement Directorate should be allowed to work independently. He's also, in fact, presented some statistics that only about 3% of the cases that the ED is looking into are against politicians. Meanwhile, 97% is against non-political entities. Meanwhile, there are several reactions coming in from opposition leaders regarding PM's comments on probe agencies, and as far as the opposition alleges the misuse of law. Let's first listen into these comments. देखिए, कानून और कानून का दुरुपयोग, इसमें फर्क है. कानून बेशक हमारे समय में था, पर उसका दुरुपयोग नहीं था. उसका दुरुपयोग अब हम देख रहे हैं. अब लोग ये कहते हैं कि जिस पे इनकम टैक्स का केस है वो भाजपा में शामिल हो जाए तो उसका इनकम टैक्स का केस खत्म हो जाएगा. तो मतलब भाजपा के अंदर वो सारे फरेब हैं, वो सारे फ्रॉड करने वाले लोग हैं, वो सारे सिंडिकेट से जुड़े हुए लोग हैं, वो सारे भ्रष्टाचार से जुड़े हुए लोग हैं. तो एक भ्रष्टाचार का एक शरण, अगर कहीं भ्रष्टाचारियों को कहीं अगर शरण चाहिए तो वो आश्रम भाजपा बन चुका है. सेकेंडली, ही वाज आल्सो, आई मीन दीज आर जस्ट इनिशियल रिएक्शंस एज अ स्पोक्समैन ऑफ द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस. दिस इज माय पार्टी व्हिच इज रिस्पोंडिंग एंड आई एम डूइंग दैट ऑन द बिहाफ ऑफ द पार्टी. He was praising the Enforcement Directorate, ED. Now, obviously, he will praise the ED because on their directions and on their indications, ED has been chasing every political party which is in opposition to the BJP. So, obviously, he will claim that they have done a wonderful job. And corruption doesn't seem to be beyond, beyond non-BJP states or beyond non-BJP parties. It's not there in BJP at all. That's what he is trying to vouch. Dekho. मेरा सवाल उनके लिए ऐसा है कि तुमने 10 साल में देश को बेचा ही है, देश के लिए खड़ा कुछ नहीं किया. एक, अब वो बोलते कि अभी पिक्चर बाकी है. पिक्चर क्या बाकी है? जो देश कर्जे में डुबा के रखा है, देश की संपत्तियां बेच दिया, अपने रेलवे तक बेच दिया, अब सिर्फ बचा है पिक्चर तुम्हारा संविधान खत्म करने का. तो इस देश के जो वोटर्स है और यहां का लोकतांत्रिक व्यवस्था इतना सुजान है कि मोदी जी आपका सब, आपकी सब जो सपने हैं, जो देश को, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने का लोग समझते हैं, और इसलिए लोगों ने मानस बना लिया है कि आपको सत्ता के बाहर करना. तो तुम्हारा विजन तुम्हारे पास रहे, और उन्हें कहा था कि मैं झोली लेके आया, झोली लेके जाऊंगा, तो बस वो समय आ गया तुम्हारा. तथ्य इस बात को दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चंदा लिया, आप एक तरफ कह रहे हो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जिस तथाकथित फर्जी शराब घोटाले के आरोप में आपने शरद रेड्डी को गिरफ्तार किया था, उससे आपने 60 करोड़ रुपया ले लिया. अब उस पर कार्रवाई कौन करेगा? उसका हिसाब किताब कौन देगा? पता चल रहा है कि उन कंपनियों से पैसा लिए गए चंदा, जो घाटे में चल रही हैं, और करोड़ों रुपए का वो चंदा दे रही हैं, वो काला धन नहीं तो और क्या है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरह का दावा था और जो सच्चाई सामने आ रही है, मुझे लगता है कि ये घोटाला शायद जो लोग कह रहे हैं कि अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है, मुझे लगता है कि इस पर प्रधानमंत्री जी को अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए. जहां तक वो कह रहे हैं कि सब लोग भुगतेंगे, तो मुझे लगता है कि अब इस तरह की जो भाषा है, जिस तरह से पूरे देश को तानाशाही में झोंका जा रहा है, मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है.
All right there, of course, we've seen opposition leaders hitting out at Prime Minister Modi following his interview. My colleague Anand joins us on the broadcast. Anand, it seems that all opposition parties, whether it is the Congress, it's the TMC or even the Aam Aadmi Party, they have consolidated their stance against Prime Minister Modi's interview, particularly on the issue regarding his comments on the central agencies and what all has been done in the last 10 years with regards to this. Yeah, Priya, look, after the Prime Minister Modi interview in regard to enforcement directorate actions against the political party, Congress leader Manish Tiwari was very specific, as he mentioned that in the last 10 years, only 25 people have been held guilty by the trial court, whereas the ED has carried out raids across the country thousands of times, and thousands of times they have also carried out the searches at the various places. So he has made it very clear that the number of times the ED is searching or carrying out a probe against any of the opposition leaders, it is directly targeting the opposition parties. Whereas those who are joining the BJP, the probe against them are being stopped. So similarly, the opposition parties also targeted Prime Minister Narendra Modi on the issue of the electoral bond scheme and highlighted how this scheme was one of the biggest scam in the country. And it was only after the Supreme Court's intervention that the data of all the donors were made public. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.